हेलो फ्रेंड्स, गीतिकास किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जब मैंने आलू भुजिया की रेसिपी डाली, सिंपल भुजिया की रेसिपी डाली, उसके बाद मेरे को ढेरों कमेंट आए और सब ने कहा कि मैं बीकानेरी भुजिया की रेसिपी आपके साथ शेयर करूं। तो मैंने खुद घर पे 6 से 7 बार इसे बना कर देखा और जब इसका टेस्ट 90% तक बीकानेरी भुजिया जैसा बनने लगा तो आज मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बीकानेरी भुजिया बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है 2 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच अजवाइन, यहाँ 25 पीस मैंने लौंग लिए हैं, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 2 चम्मच धनिया पाउडर। तो एक जार में हम ये काली मिर्च, अजवाइन, लौंग और ये सूखे मसाले भी हम डाल देंगे, क्योंकि क्वांटिटी बढ़ने से मिक्सी में अच्छे से पीसेगा, इसलिए हमने ये सब इसमें डाल दिया है। अब इसे हम एकदम बारीक पीस लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पीस लिया है, लेकिन इसे छानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे सेव के सांचे की जो जाली होती है उसमें अगर थोड़ा मोटा दाना आता है तो वो फंस जाता है। तो ये हम मोटा वाला हिस्सा निकाल देंगे। यहाँ पे मैंने 1 कप मोट का आटा लिया है। मोट का आटा लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बीकानेरी भुजिया में इसी से टेस्ट आता है। अगर हम सिर्फ बेसन से यह सेव बनाते हैं तो भुजिया वाला टेस्ट नहीं आएगा, तो ये बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा मैंने 1 कप बेसन लिया है, दोनों ही इक्वल क्वांटिटी में। अब इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। यहाँ पर मैंने लगभग 1.5 चम्मच नमक डाला है। इसके बाद हम ये रेडी किया हुआ मसाला इसमें डाल देंगे और इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम मोयन के लिए 5 से 6 बड़े चम्मच भरकर तेल डालेंगे। आप यहाँ पे कोई भी तेल ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मोयन अच्छे से मिक्स करना है, जिससे हमारी भुजिया अच्छी क्रिस्पी बनेगी। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका आटा लगा लेंगे। आटा हमें बहुत न सख्त रखना है न नरम, मीडियम कंसिस्टेंसी का आटा हम रेडी करेंगे। ये हमारा आटा रेडी हो गया है, आप देख पा रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी इस प्रकार की होनी चाहिए। अब इसे हम ढककर रेस्ट करने के लिए 10 मिनट रख देंगे। हमारे 10 मिनट अब हो चुके हैं, इसे हमें सांचे में भरना है, तो पहले इस तरह से ये जाल लगा लेनी है। अब हाथ को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। तो इस तरह से ग्रीस करके एक बड़ी सी लोई हमने ले ली है, इसे रोल करके अच्छे से दबा के हमें सांचे में भर लेना है। अब सांचे को हमें इस तरह से बंद कर लेना है। सांचा हमारा रेडी है, आइए अब हम इसे तलने की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक पैन में हमने तेल ले लिया है, मीडियम हीट पे ये गर्म हो चुका है। अब सांचे से इस तरह से हमें सेव निकालनी है, इसे मीडियम हीट पे ही तलना है। हमें इस बात का खास ध्यान रखना है कि हमारी सेव बहुत लाल ना हो जाए, लाल हो जाने से इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता है, इसलिए हमें इसको लगातार चलाते हुए तलना है और मीडियम टू लो हीट में ही तलना है, ज़्यादा तेज नहीं रखना है। तो इस तरह से हमने उलट पलट कर सेव को अच्छे से तल ली है। देखिए, हमारी सेव बिल्कुल गोल्डन हो चुकी है, इसे इसी स्टेज पर निकाल लेना है। अगर आपके घर में भुजिया पसंद है तो ये घर में बना के आप ज़रूर से उनको खिलाइए, वो बिल्कुल भी अंदाज नहीं लगा पाएंगे कि ये घर में बनी हुई है और आपकी तारीफ ज़रूर करेंगे। बाजार वाला लुक देने के लिए सेव के इन लच्छों को बारीक टुकड़ों में तोड़ लेना है और इसमें गट्टे होते हैं, तो लास्ट में जो सांचे में आटा बचा था उसके मैंने कुछ गट्टे भी तल लिए हैं, उसको भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। आप देख पा रहे हैं, लग रही ना बिल्कुल बाजार जैसी। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। अंत तक आपको मेरी ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।